ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। रायपुर जिले के सभी विधानसभा सीटों की मतगणना सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज में होनी है, जहां सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। रायपुर जिला अंतर्गत धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर सिटी पश्चिम, रायपुर सिटी उत्तर, रायपुर सिटी दक्षिण सहित आरंग और अभनपुर विधानसभा सीटों की मतगणना सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 दिसंबर को की जानी है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा में निगरानी की जा रही है, जिसके लिए बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स सहित पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन के एक जो गाइडलाइन है, निर्देश है, उसमें पूरी सिक्योरिटी एक पहले से ही निर्धारित की गई है। उसके अनुसार जो बिल्डिंग है उसकी सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्स को देना था, तो हमारे यहाँ CISF की पूरी एक कंपनी उसकी सुरक्षा कर रही है। उसके बाद दूसरा गार्डन जो होता है, इंटरमीडिएट गार्डन बोलते हैं, उसमें आर्म्स गार्ड लगाना था, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की जो पुलिस है उसकी एक प्लाटून वहाँ पर डिप्लॉय की गई है। और तीसरा लेयर था आउटर गार्डन जो है, वो डिस्ट्रिक्ट फोर्स के अधीन होना, तो एक TI के नेतृत्व में वहाँ पर हम लोगों ने टीम बना के रखी है। उसमें भी करीब करीब 30 से 40 लोग सुरक्षा पे लगे हुए, जो 24 आवर्स वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। साथ ही चूंकि पारदर्शिता रखनी है, इस कारण इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार जितने भी स्ट्रांग रूम है वो सबके CCTV कनेक्ट है, और वो हमारे आउटर लेयर के बाहर में एक स्क्रीन लगा हुआ है, जिसपे प्रत्याशी जो हैं उसके एजेंट उस पर आकर लगातार निगरानी रखते हैं, देखते हैं। तो इस प्रकार से फुल प्रूफ एक सिक्योरिटी वहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, और CSP नया रायपुर इसके नोड प्रभारी अधिकारी हैं, उसके नेतृत्व में वहाँ पर सुरक्षा लगाई। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।